सुनते ओम शांति। ये टोटली 55 एकड़ जमीन है और 75 करोड़ की लागत है, तो जनरेशन कैपेसिटी 1 मेगावाट का है, तो हर घंटा 1 मेगावाट आवर बिजली मिलता रहेगा इससे। सोलार का बारे में ऑलरेडी फोटोवोल्टिक सेल वाला जो है दुनिया में ऑलरेडी है, ये नया सिस्टम है। तो ये सिंपल मिरर जोड़ दिए इधर, एक एक डिश का कांच की छतरी का एरिया 60 स्क्वायर मीटर एरिया है। ये डिश सूरज अभिमुख होकर घूमने के लिए पीछे साइड में गियर सिस्टम बनाया गया है, 5 गियर है, गियर को घुमाने के लिए 24 वोल्ट की डीसी मोटर जोड़ दिया, मोटरों को ऑपरेट करने के लिए हर एक रिफ्लेक्टर का बीच में एक सेंसर विद कैमरा बिठाया गया, सेंसर द्वारा कमांडमेंट है, कंप्यूटराइज्ड किया गया है इसको। तो ये टोटली 770 पैराबोलिक सोलार रिफ्लेक्टर्स कहते हैं, हर एक का सामने एक कैविटी रिसीवर है, वो रिसीवर का अंदर है, तो 3 टन वेट का एक कास्ट आयरन की ड्रम है, 3 फुट लंबाई 15 सेंटीमीटर थिकनेस है उसका, ड्रम पर पाइपलाइन लपटा हुआ, हीट ट्रांसफ़र पाइपलाइन कहते हैं, लोहा का पानी का है वो, फिर ग्रिड डाल के उसको पैक करके सेरामिक वूल से इंसुलेटेड करके एल्यूमिनियम प्लेट से बंद कर दिया है। दरवाजा पर कॉन्वेक्स ग्लास लगी हुई है हर एक को, तो वो भी 770 कैविटी रिसीवर्स हैं। ए बी सी डी डब्ल्यू तक 23 लाइन्स हैं, एक एक लाइन में 15 से लेकर 35 तक रिसीवर को सीरीज में जोड़ा गया है। तो ये मेरा हाथ देखिए, ये पूरब की दिशा है, ऐसे पश्चिम की दिशा है। पूरब से जब सूरज निकलेगा 770 रिफ्लेक्टर भी सूरज अभिमुख होकर घूमते रहेंगे, तो शीशे पर किरणें पड़ेंगे, किरणों का जब रिफ्लेक्शन निकलेगा 60 स्क्वायर मीटर एरिया का रिफ्लेक्शन को, ये बीच का सेंसर विद कैमरा सामने रखा हुआ कैविटी रिसीवर कॉन्वेक्स ग्लास पर एकत्रित कर देता है, वहाँ 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हीट एनर्जी क्रिएशन होता है, हीट एनर्जी को अंदर ऑब्जॉर्व करके 250 से लेकर 500 डिग्री तक अंदर का ड्रम रेड हॉट बन जाता है। एक बार रेड हॉट बन गया तो उस पर जो पाइपलाइन लपटा हुआ उसमें पानी को शुद्ध बनाकर पानी पंप करने से पानी अंदर जाके गर्मी से भाप बनेगा, वही भाप दूसरी रिसीवर में जाएगा, तो लास्ट रिसीवर आउटलेट में सुपर हीटेड स्टीम आ जाएगा। ये 23 लाइन्स है, लास्ट में जो सुपर हीटेड स्टीम आ जाएगा उसको इकट्ठा करके टरबाइन को छोड़ेंगे, टरबाइन के साथ विद्युत जनक जुड़ा हुआ 11000 वोल्ट से 3 फेज सप्लाई के अल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर 50 साइकल्स का है वो, तो जनरेशन कैपेसिटी 1 मेगावाट का है, तो हर घंटा 1 मेगावाट आवर बिजली मिलता रहेगा। दिन में 8 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डे टाइम में 8 मेगावाट आवर बिजली ईजिली तैयार कर लेते हैं। फिर शाम 5 बज गया तो ये रिफ्लेक्टर पश्चिम दिशा तक सूरज को मुखड़ा करेंगे, सूरज अस्त होने से पहले ऑटोमेटिकली ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा मुखड़ा कर दूसरा दिन के लिए रीसेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर शाम होने के बाद गर्मी को एक बार सुबह स्टोर कर लिया था तो सारा दिन अंदर ऐसा ही जमा है, उसको यूज़ करके 16 घंटा तक 16 मेगावाट आवर बिजली बिना सूरज भी हम तैयार कर सकते हैं। टोटली 24 मेगावाट आवर बिजली हमको प्रतिदिन मिलेगा। इसके लिए हम शांति वन का जो हर महीना बिजली बिल पेमेंट करते आ रहे थे बिजली बोर्ड राजस्थान को परचेज करके बिजली, तो अभी ये तैयार होने के बाद वो खपत यहाँ से चालू है, अभी वो पैसा कमती होता जा रहा है पेमेंट करने का। अच्छा, फिर ये इंडिया में पहली बार है, इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट इसका नाम है, भारत सरकार ने इसको R&D प्रोजेक्ट बनाकर सहायता धन दे दिया, तो इनमें टीम वर्क है इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट का, बाबा के बच्चे हैं इनमें देश विदेश से, जो भी बाबा के बच्चे हैं तो ये फ्री में सर्विस देते आए हैं, 250 लोग कारीगर ऑन पेमेंट पर काम किया, 6 साल में काम पूरा हो चुका है, तो 2017 में ये काम पूरा होके चालू हो चुका है। बारिश के दिनों में मात्र बंद रहेगा, उस टाइम में बादल छाया हुआ है तो बिजली नहीं मिलेगा, उस टाइम में बाहर से परचेज करेंगे, अगर बाहर का बिजली भी नहीं मिला तो जनरेटर सेट रखा हुआ डीजल का यूज़ करेंगे, विदाउट फेल्योर 9 महीना तक हमको बिजली मिलता रहेगा। इंडिया में पहली बार सोलार थर्मल पावर प्लांट है,
विदेश में भी कहीं कहीं तैयार किया हुआ है, उनका दिन में मात्र होता है, अपन इधर दिन में भी तैयार कर लिया, दिन का हीट एनर्जी स्टोर करने का टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर दिया, इसीलिए टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नंबर वन है। इनमें बाबा के बच्चे हैं, ये इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपना जयसिंह भाई जी है, और अपना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इंजीनियर सब भाई लोग मिलके ये पूरा कर दिया। जर्मन का एक साइंटिस्ट शफलर वुल्फी भी ये इन्होंने तैयार किया था सोलार कुकर, उसको ले आकर स्टीम से खाना पकाने का योजना बनाया गया था ज्ञान सरोवर पांडव भवन में। फिर ये R&D प्रोजेक्ट इंडिया का ही बिजली तैयार करने की योजना थ्रू MNRE से R&D प्रोजेक्ट बन गया है, और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एनवायरनमेंट वालों ने भी सहायता धन दे दिया। तो सूरज के किरणों को या IGT यूज़ करके विदाउट पोल्यूशन हम बिजली तैयार कर रहे हैं, इसीलिए जर्मन सरकार भी हेल्प किया, अपना BK भाई बहनों का पैसे और सोलार का बारे में जो जानकारी है वो लोग भी उनका सलाह सूचना से भी ये काम पूरा हो चुका है। तो अभी बाद में गवर्नमेंट इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट इसका नाम है। अच्छा, फिर जून महीने में उत्तरायण में आ जाएगा, दिसंबर महीने में दक्षिणायण में आ जाएगा, तब भी सीजनेबल ट्रैकिंग का एडजस्टमेंट है इसमें, डेली ट्रैकिंग 3 बार, सीजनेबल ट्रैकिंग बरस में 2 बार, सूरज का शेप चेंज हो गए तो भी सेटिंग है, और रिफ्लेक्टर कैविटी रिसीवर का बीच में जमीन से 6 फुट के ऊपर फोकस आ जाएगा, दोनों का बीच में ज़मीन खाली रहेगा 3 फुट हाइट तक, जो भी सब्जियां दाने होंगे कर सकते हैं। हरा भरा हुआ रहने से दिन में ऑक्सीजन के प्रमाण मेंटेन हो जाएगा, सब्जी का पैसा भी बच जाता है, योगी खेती बनाने से अपना हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो ये बाबा का टचिंग है, बच्चों का बुद्धि खुल गया, सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। सूरज तो सदा रहेगा, ये सोर्स बंद नहीं होने वाला है, इसीलिए सूरज चांद आकाश बदलेगा नहीं है।